बोला फरमाते रसूल खुदा का फरमान है कि आसत अक्लमंद की निशानी है, ये मौत को याद करता है, क्योंकि याद मौत इसकी गफलत को मिटा, याद मौत इससे अच्छे काम करवाती। कब्र हमारे लिए खेल है, फला बंदा मर गया जनाजा पढ़ के आ गया, सोचा ही नहीं कि मुझे भी किसी कब्र में जाना है। इतने लोग मरते हैं, हम जनाजे उठाते हैं, कोई परवाह नहीं हमें, लेकिन हमने खेल को सीरियस बना दिया। क्रिकेट का मैच हो रहा, रोडों पे गाड़ी नजर नहीं आ रही, इतना लोगों ने मैचेस को सीरियस लिया। पाकिस्तान में कोई ड्रामा मशहूर हो जाता, कहते हैं इतना मशहूर ड्रामा मौलाना पूरे रोड खाली थे, लेकिन कोई मोमिन मर जाए रोड खाली होते हैं, लोग उसके जनाजे में तशरीफ करते हैं। आज तो रस्म बन गई है, यूरोपीय कल्चर है ना, कि जनाजा गाड़ी में डाला, एम्बुलेंस में डाला और सीधा जाके कब्र पे उतार दिया। इस्लाम में तशरीह जनाजा है, ये वेस्टर्न कल्चर था कि गाड़ी में रखो ताकि लोग तशरीह भी ना करें कि भाई जनाजे को कांधा देना इतना सवाब है, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने डब्बे में डाल देते हैं, नीचे डाल देते, और कब्रिस्तान जो जाएगा है इबरत थी पर इंसान, लेकिन कब्रिस्तान भी लोगों ने क्या कर दिए, शहर से दूर बना दिए। अब सर शहर से दूर होगा कौन जाएगा, पहले कब्रिस्तान शहरों के बीच में हुआ करते थे ताकि लोगों का वहां से गुजर हो। दूसरा वही वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न माइंडसेट कि वो कब्रिस्तान जहां पे लोग इबरत जाके लेते थे, अब कब्रिस्तानों को पार्क बना दिया, भाई जमीन खाली पड़ी है, बच्चे आए खेलें वहां पे झूले लगा दिया। वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे कब्रिस्तान कब्रिस्तान नजर नहीं आता, उसको पार्क महल्ले तफरी बना दिया, जहां पे आकर इबरत लेनी थी वहां पे लोग आकर खेलकूद में मसरूफ हो जाते हैं।